तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जानकारी आज तक में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं SSC GD भर्ती 2018 के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट है कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, ये उसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो वैकेंसी कितनी बढ़ने के आसार है, कितनी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, जितने भी नोटिस आ रहे हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है हमारी, उसकी अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, 11,406 वैकेंसी बढ़ेंगी। तो क्या है ये 11,406 वैकेंसी दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने दोस्तों जब से फॉर्म भरा था 2018 में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब आया था दोस्तों, तो आपको 54,953 जो वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, 54,953। इसमें जो मेल कैंडिडेट थी वो थी 47,307 और जो फीमेल कैंडिडेट थी वो थी 7,646 कैंडिडेट। उसके बाद जो हुआ दोस्तों, फिर दोबारा फिर से वैकेंसी रिवाइज्ड हुई और वैकेंसी बढ़ के होगी आपकी 58,373। तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी बढ़ गई आपकी, आपकी 3420 वैकेंसी बढ़ा दी उन्होंने दोस्तों, ठीक है, 54,953 में 3420 वैकेंसी बढ़ गई और होगी आपकी 58,373 वैकेंसी हो गई यहाँ पर, 58,373। और जो मेल कैंडिडेट थे उनकी 50,066 और फीमेल की हो गई 8,307। तो यहाँ पर ये इतनी वैकेंसीज हो गई, लगभग 3,420 वैकेंसीज बढ़ गई। उसके बाद फिर से एक और नोटिफिकेशन आया दोस्तों, जो कि दिसंबर 2019 में आया था। उसमें जो वैकेंसीज थी वो आपकी बढ़ के हो गई 58,373 से 62,210। इसमें से जो फीमेल की बढ़ गई थी वो बढ़ के हो गई थी 9,511 और जो मेल कैंडिडेट थे उनकी बढ़ के हो गई थी 50,699। तो टोटल जो वैकेंसी इसमें बढ़ी वो बढ़ी आपकी 1837 वैकेंसी बढ़ गई दोस्तों इसमें, ठीक है, 1837 वैकेंसी फिर से बढ़ गई। तो अभी तक जो टोटल वैकेंसीज बढ़ी हैं 1837 ये और 3420 वो पिछली वाली वैकेंसी, टोटल हो गई 5,557 वैकेंसी अभी तक बढ़ चुकी हैं दोस्तों, जब से फॉर्म फिल किया था आपने और मेडिकल से पहले पहले तक आपकी 5,557 वैकेंसी बढ़ चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो ये जो 11,406 वैकेंसी, इसका क्या फंडा है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो 86,406 वैकेंसीज हैं और जो 75,000 का जो नोटिस आया अभी, उसका क्या फंडा है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी हाल में ही जो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि CRPF में जो है अभी तक 42,776 पद जो हैं वो रिक्त हैं, ठीक है, 42,476 पद रिक्त हैं। और BSF में आपके 19,320 रिक्त पद पड़े हुए हैं अभी हाल की सिचुएशन में, और CISF के 5,165 और SSB के 19,175। इसमें असम राइफल और ITBP को कंसीडर नहीं किया गया दोस्तों, तो ये अभी तक इतने वैकेंट पड़े हुए हैं पोस्टर्स, ठीक है। और इन्हें अगर हम मिला दिए जाएँ, मिला प्लस कर रहे हैं इनको आपस में, तो ये 86,406 हो रहे हैं, ठीक है, 86,406 वैकेंसीज हो रही हैं। और अब बात करते हैं ये जो 86,406 वैकेंसीज हो रही हैं और जो ये 75,000 का जो अभी नोटिस आया दोस्तों हाल में, जो 75,000 वैकेंसीज हैं वो आपने नोटिस देखा होगा, 2-4 दिनों में ये नोटिस आया था। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या नोटिस था, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं इस नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो नोटिस था ये नोटिस, इसे अच्छे से देख लीजिए दोस्तों आप, ये नोटिस है वो, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल GD इन CAPF NI एंड SSF एंड राइफलमैन असम राइफल एग्जामिनेशन 2020 एंड 21, 2020-21 के बारे में बोला गया दोस्तों। ऑल ऑफ यू शुड नो दैट द डिटेल्स ऑफ अबाउट अप्रोक्स
75,000 सीट्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द नोडल एजेंसी। तो सीआरपीएफ बोल रही है, जो नोडल एजेंसी भर्ती की दोस्तों, की यहाँ पर जो है अभी तक जो 75,000 वैकेंसीज है वो रिसीव हो चुकी, कि मतलब खाली पड़ी हुई है 75,000 वैकेंसीज। बाय द नोडल एजेंसी चेक द डिटेल सीट्स वंस अगेन। जो नोडल एजेंसी वो दोबारा से जो है इसकी सीट्स का पुनर्अवलोकन कर लें। इट हैज़ बीन डिसाइडेड द इशू न्यू रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट बाय मार्च 2021। प्लीज़ प्रोवाइड द सीट डाटा एज सून एज पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, इनको बोला है कि जो नोडल एजेंसी है उनको बोला है कि वो मार्च 2021 तक जितनी भी सीटें मतलब वैकेंट है उनका जो डाटा है वो हमें प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है, ताकि हम जो है आने वाली जो 2021 से मार्च तक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दें दोस्तों। तो जो नए भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है, 2021 में जो भर्ती आ जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हम 86,000 पदों की बात कर रहे थे, यहाँ पर 86,000 जो वैकेंट बता रहे थे उसमें से ये 86,406 और यहाँ पर 75,000 का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है राइट। अगर इसमें से हम ये माइनस करते हैं तो ये हो जाता आपका 11,406 पद, ये तो खाली रह जाएंगे। तो इनको ये इसी भर्ती में 2018 वाली में ऐड करने पड़ेंगे 75,000 का, तो ये नोटिस दे देंगे राइट। 75,000 का नोटिस दे दिया, उसके बाद ये जो 86,400 का जो अभी तक बताया गया इतनी वैकेंट हैं, 75,000 का नोटिस तो आ जाएगा 2021 में, 11,406 जो बच जाएंगे वो डेफिनेटली अगर हमारी वाली इस भर्ती में जुड़ जाते हैं दोस्तों तो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे उनका सिलेक्शन होने के लिए बहुत ही वो जो मेरिट है बहुत कम रहेगी और सभी का सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें ट्विटर पर एक कैंपेन चलाना होगा, जो हमारे ये 11,406 पद हैं इसको हम अपनी भर्ती में ऐड करवाएंगे। तो इसके लिए हम जल्दी से जल्दी ट्विटर पर 24 सितंबर के बाद एक कैंपेन चलाएंगे, ताकि जो एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट जिन्हें कम से कम 3 ईयर हो गए हैं दोस्तों, 3 साल हो गए हैं, और कईयों की तो जो एज है वो भी निकल गई है और उनकी ये लास्ट भर्ती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्विटर पर हम एक हैशटैग चलाएंगे इंक्रीज वैकेंसीज का, ठीक है, कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको फिट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, फिट कैंडिडेट को सभी को ले लिया जाए, सिलेक्ट कर लिया जाए, और जो 11,406 वैकेंसीज है इनको भी हमारी जो भर्ती है ये 62,210 में ये ऐड कर लिया जाए दोस्तों। तो ये जो भर्ती है ताकि हमारी 71,000 से प्लस सीटें हो जाएंगी इसमें, 71,000 राइट, 71,000 सीटें हो जाएंगी, तो हम सभी के लिए अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है इसमें हमारे जो है सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो वैकेंसीज अगर बढ़ती हैं तो जो मेरिट है दोस्तों, फाइनल मेरिट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ फाइनल मेरिट किसी कैटेगरी की प्लस एक बढ़ेगी, अदरवाइज जो डीएमए की जो कट ऑफ है, डीएमए कट ऑफ, ठीक है, उसी पे जो है सिलेक्ट हो जाएंगे, वो जरा कांस्टेंट रहेगी, वो जरा भी यहाँ से वहाँ नहीं लेगी, ठीक है, वो उसी पे सिलेक्शन हो सकता है हम सभी का दोस्तों। तो दोस्तों 24 सितंबर से, ठीक है, 24 सितंबर से आप सभी को ट्विटर पर कैंपेन के लिए